नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक न्यूज के समय। दोस्तों, इस चैनल आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, उसको प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो शेयर काफ़ी तेज़ी ग्रोथ दिखाया था, यानी कि जिस हिसाब से शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिले उसके बाद इस शेयर की तेज़ी में स्टॉप लग गया। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है, अगर जिन लोगों ने ऊपर खरीद रखा है उनके लिए क्या डिटेल बन सकता है, जो लोग खरीदना चाहते हैं यानी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए क्या डिटेल बनेगा, कंप्लीट एनालाइज करके देख लेंगे कि इनका टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो देख लेते हैं डिटेल का। दोस्तों, अगर इनके 52 वीक हाई और लो की पहले बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें डिटेल बना था 87 पैसे का ये शेयर हुआ करता था, जो कि इसने अपना हाई बनाया 9 रुपये 35 पैसे पे। कुछ शेयर को लेकर कुछ लोग ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं, यानी कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बहुत से लोगों का कहना होता है 25 रुपये जाएगा, 50 रुपये जाएगा, बट जाएगा लेकिन टाइम तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया वो कल के कल वो शेयर चला जाए। क्योंकि जब मैं पहले वीडियो बनाता था इस शेयर पर और जब मैं कहता ही था कि शेयर में गिरावट आने वाली है तो लोग यही कमेंट करते थे कि नहीं आपको कुछ नहीं आता, ये शेयर 25 रुपये जाएगा, 50 रुपये जाएगा। तो फिर भी एनालाइज तो एनालाइज होता है, सब अपने हिसाब से करते हैं। अगर आप भी एनालाइज कर सकते हैं तो फिर आप वीडियो देख क्यों रहे हैं, खुद ही पास समझ में आती है। तो दोस्तों, शेयर भागेगा वो बात ठीक है कि फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में आने वाले डिमांड अच्छे हैं, बट कोई भी यानी कि पूरी दुनिया इतनी जल्दी तुरंत नहीं चेंज हो सकती कि हाँ आपने सोलर कह दिया तो सारा पूरे दुनिया सोलर सिस्टम पर ही लग जाए, उसमें भी टाइम लगता है, 5 साल 10 साल 20 साल का भी। तो दोस्तों, न्यूज़ आती है तो उसके बाद शेयर को टाइम लग सकता है, 5 साल 10 साल 20 साल का टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ तुरंत नहीं चेंज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात किया जाए तो जिनके पास पेट्रोल की व्हीकल है क्या वो बेचकर तुरंत इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जिसके पास जिन लोगों ने ऑलरेडी गाड़ियाँ खरीद रखी हैं तो वो जब से कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा या फिर जब से वो बेचना नहीं चाहेंगे, उसका एक्सपायर नहीं हो जाएगा, तब तक कोई नहीं बेचने वाला। तो ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया तुरंत वो शेयर 25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये पहुँच गया, हाँ जाएगा, बट उसके लिए पेशेंस रखिए, 5 साल 10 साल का टाइम दीजिए। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी शेयर एक साल में अगर बात किया जाए 500% की ग्रोथ आपको दिखा रहा है। दोस्तों, अगर कोई न्यूज आता है कंपनी 500% का रिटर्न दे देती है, बट आप कॉन्फिडेंस हो, ये अच्छी बात है, आपने एनालाइज किया हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है कि हाँ आपने फ्यूचर सोच कर एनालाइज किया है। बट ऐसा नहीं कि हर साल वो कंपनी आपको 500% का रिटर्न दे और अगर वो शेयर ऊपर भाग रहा है तो कंटिन्यू ऊपर ही भागे, क्योंकि हाँ ठीक है फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, आने वाला फ्यूचर भी उन्हीं का है, बट क्या तुरंत कल के कल फ्यूचर वो आ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। जब फ्यूचर वो उतनी टाइम लगेगा 5 साल 10 साल, तब तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो देख लेते हैं इस शेयर का क्या फ्यूचर हो सकता है। दोस्तों, अगर इनके रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे एक साल में इस शेयर ने 513% का रिटर्न दिया है, एक महीने से ये शेयर करेक्ट हो रहा है और लगभग 10% तक करेक्ट हो चुका है। तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे इस शेयर को लेकर वो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 6 रुपये के 7 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। अगर बीटा की बात करें तो 1.84 का है, लगभग 2 के आसपास पहुँचने वाला है, यानी कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस शेयर में। अगर स्टॉक पी की बात करें तो आप देखेंगे पी के अकॉर्डिंग ये 5-6 रुपये वाला शेयर बहुत ही महंगा हो चुका है, 316.22 का इनका पी चल रहा है। वहीं अगर सेक्टर पी की बात करें तो माइनस में सेक्टर पी चल रहा है, -3.74 का चल रहा है। कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा इस टाइम ये शेयर मिल रहा है, क्योंकि 87 पैसे का शेयर हुआ करता था और इस टाइम ये शेयर 6 रुपये का मिल रहा है। तो आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। मार्केट कैप की बात करें तो आप देखेंगे 355 करोड़ का इनका मार्केट कैप रहा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस शेयर में। दोस्तों, इस टाइम शेयर चल रहा है 6 रुपये 70 पैसे पे। जो लोग ज़्यादा बुलिश थे या फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो माल उठाते रहिए, क्योंकि इस टाइम आपको सस्ते में मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि एक दो महीने में ये शेयर 25 रुपये 50 रुपये पहुँच जाएगा तो बिल्कुल आप ख़रीदारी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है साल भर में पहुँच जाएगा तो आप और ज़्यादा ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ 25 रुपये तक तो शेयर जाएगा ही जाएगा, लेकिन कम से कम 3 से 5 साल तक का अभी तो टाइम दीजिए। हो सकता है शेयर 25 रुपये नहीं 2500 या फिर 250 भी जाए, लेकिन बिना टाइम दिए कल के कल तो ये शेयर 250 तो पहुंच नहीं जाएगा। तो जब कल के कल शेयर 250 नहीं पहुंचने वाला है, कल के कल 25 रुपये नहीं पहुंचने वाला, अभी 6 रुपये का शेयर चल रहा है, अधिक से अधिक अगर कल की बात करें तो मैक्सिमम मैक्सिमम 7 रुपये 7.5 रुपये 8 रुपये 9 रुपये जाएगा। एक साथ कोई भी शेयर ऊपर नहीं जाने वाला है, और जिससे आपसे पूरा इंडियन मार्केट चल रहा है, मार्केट काफ़ी भाग चुका है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंस रहिए, बट उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रहिए कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर हो जाए। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये शेयर 6 रुपये 70 पैसे चल रहा है, जो लोग इसको ऊपर खरीद
रखे हैं, यानी इस शेयर को 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये पे जो खरीद रखे हैं, उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि पेशेंस रखिए और प्लस शेयर को थोड़ा टाइम दीजिए। यानी कि अगर 6 महीने साल भर का आप टाइम देते हैं तो आपका जो लॉस है, यानी कि जो इस टाइम आप लॉस में, हैवी लॉस में आप दिख रहे हैं, वो कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। यानी कि 7 रुपये, 8 रुपये का जो भी आपने खरीद रखा है वो लॉस कवर हो जाएगा। 6 महीने तक का कम से कम आपको टाइम देना पड़ जाएगा। ऐसा आप कल कुछ लोग कमेंट में कहेंगे नहीं तो ये तो 1 हफ्ते में ही कवर कर देगा। हाँ, अच्छा कवर देगा, कर देगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं 6 महीने इसलिए टाइम आपका दे रहा हूँ ताकि आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। शेयर अगर भागना भी स्टार्ट करेगा तो फिर से बाउंस नीचे भी आएगा। ऐसा नहीं कि भागना स्टार्ट किया तो कंटिन्यू ये शेयर ऊपर ही चलता जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो जिस चीज़ पॉसिबल है उसी की बात करिए तो बेटर है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ लॉस होगा, अगर कवर करना है तो आपको 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने में आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो लॉस आपको हो रहा है इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम आप 6 महीने का टाइम दीजिए। यानी कि मार्केट का जो मूड है वो पहले समझ में आए। मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाता है, 200 पॉइंट गिरता है, फिर 200 पॉइंट गिरता है, फिर 200 पॉइंट ऊपर जाता है। यानी कि अभी कुछ खास क्लियर मूड में नहीं है। अगर कंपनीज की बात किया जाए तो जो कंपनियाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुकी थी, यानी 200, 300%, 500% का जो रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी थी, उन सारी कंपनियों की हालत इस टाइम ख़राब चल रही है। यानी शॉर्ट टर्म में, यानी पिछले 1-2 महीनों का अगर आप डेटा देखेंगे तो सब में 10 से 20% की करेक्शन आ चुकी है। वो बात ठीक है कि 500-600% का रिटर्न उन्होंने दिया हुआ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, बट उन शेयर्स को फिर से भागने के लिए, यानी कि फ्यूचर में डिमांड है वो बात भी ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम तो दीजिए क्योंकि फ्यूचर अभी कल के कल नहीं आने वाला है, इस बात का जरूर याद ध्यान रखें। तो इसीलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब हो गया कि 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 5 साल का आप टाइम दीजिए, तब वही कंपनी आपको बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देगा। दोस्तों, कंपनी की डिमांड आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है और ये बात मैं भी नकार नहीं रहा हूँ। हाँ, कंपनी की डिमांड बढ़ेगी और कंपनी मल्टीबैगर भी रिटर्न देगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर की बात करें, यानी कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आते आते इंडिया की बात करें तो 3 से 5 साल तक लग जाएगा पूरी तरीके से आने में। अभी तो एकाक कंपनियाँ स्टार्ट की हैं, अभी 100% आ नहीं गया है और 100% आने में 3 से 5 साल, 7 साल का टाइम लगेगा। जब पूरी कंपनियां बनाने लगेंगी, जब पेट्रोल वाले रुकने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो सब आने में अभी काफ़ी टाइम है। तो आपको इस शेयर में अगर पूरा बेनिफिट मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो कम से कम 3 से 5 साल के लिए आप टाइम ड्यूरेशन दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से इस शेयर में आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। अधिक से अधिक आप कितना कमा लेंगे आप खुद ही सोचिए। 6 रुपये का ऑलरेडी चल रहा है, 10 रुपये तक जाएगा, 12 रुपये तक जाएगा, मान लीजिए दुगना हो गया, 14 रुपये के क्रॉस कर गया, फिर सिर्फ आपको 100% रिटर्न थोड़ी लेने बैठे हैं, आपको तो मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए। और मल्टी बैगर का मतलब है कि 600, 1000, 2000 पॉइंट का जो रिटर्न मिलता है, 1000-2000% का जो रिटर्न मिलता है, आपको वो चाहिए, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करूँ। अगर नहीं कर पाता तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन मैं करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक जो कि मैं एनालाइज करके बताऊँ आपको कि उस शेयर में आपको क्या करना चाहिए, तो उस शेयर का भी नाम आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। आज मैंने ये वीडियो किसी के कमेंट पर ही बनाया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस आपके जो दोस्तों आपके द्वारा जो दिए गए स्टॉक्स हैं उनको मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर सकूं और आपके आपको मैं एनालाइज करके बताऊं कि वो शेयर कैसा है, उसको कितने टाइम के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, या फिर आप अगर आप लॉस में तो आप कब तक प्रॉफिट में आ जाएंगे, पूरा डिटेल मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।